ये कहिए देश के सबसे बहादुर लोग जो 6 दिसंबर 92 को अकेली पुरानी इमारत को गिराने में कामयाब हो गए, बहुत बहादुरी का काम हुआ। एक बहादुरी 6 दिसंबर 92 को हुई थी, एक तरफा, एक दूसरी बहादुरी और कर ले, दोनों बहादुरियां इतिहास में लिखी जाएंगी। हजारियों की संख्या में ये पहुंच रहे हैं, 70,000 फौज लगी हुई है, फोर्स तो क्या है। फौज तो उस वक्त 6 दिसंबर 92 को भी थी, इसमें फौज पुलिस पीएसी से मतलब नहीं होता, आदेश से मतलब होता है और हाकिम की नियत से मतलब होता है। हाकिम खामोश है, तमाशा ही बना हुआ है। अब ऐसे मौके पर हमारी एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से अपील है, क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया को जवाब दे है कि वो कौन सा काम गैर इंसानी कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ये अपनी बात की अमेरिका की एक कठपुतली ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी हम एक बार चिट्ठी लिख चुके हैं, दोबारा हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि इन हालात पर वो नजर रखें और कहीं ऐसा ना हो 6 दिसंबर 92 जैसा, या जब राम जानकी रथ चला था उस जैसा कोई माहौल देश में बने, क्योंकि संग्राम में, महासंग्राम में, संघर्ष में, टकराव में मुसलमान कहीं नहीं है, क्योंकि मुसलमान अपने आप से, अपनी व्यवस्था से, देश के लोकतंत्र से बहुत मायूस है और कोई उसको रास्ता भी सुझाई नहीं देता, बहुत नाउम्मीदी और मायूसी के दौर से मुसलमान गुजर रहे हैं और बहुत अपमानजनक और जुल्म से भरी जिंदगी गुजार रहे हैं।